वेलकम टू माय चैनल मस्ता ऑटो टैक। दोस्तों ये गाड़ी है टाटा सफारी स्ट्रॉम 2019 मॉडल और ये हमारे पास आई है हैंड ब्रेक्स की प्रॉब्लम के लिए। इस कार के हैंड ब्रेक बिल्कुल वर्क नहीं करते। जब भी हम इसके लीवर को उठाते हैं ऊपर हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो लीवर तो पूरा उठ जाता है लेकिन गाड़ी हमारी रुकती नहीं है और हैंड ब्रेक बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। तो इस गाड़ी का करने वाले हैं हम हैंड ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व। और हैंड ब्रेक जब गाड़ी के वर्क नहीं करते हैं तो गाड़ी में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्रेक शू से रिलेटेड। तो इस गाड़ी के करने वाले हैं हम ब्रेक शू को चेंज। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होता है। तो खोलते हैं इसके टायर्स। तो दोस्तों हैंड ब्रेक में वर्क करने के लिए हमें खोलने होते हैं गाड़ी के पीछे के दोनों टायर्स और टायर खोलने के बाद यह है हमारे ड्रम और डिस्क एक कंबाइंड। तो दोस्तों इस गाड़ी में पीछे की तरफ डिस्क और ड्रम दोनों होते हैं। बाहर की तरफ डिस्क होती है जो कि गाड़ी के मेन ब्रेक का वर्क करती है, ब्रेक के टाइम पे काम करती है, और अंदर होते हैं ब्रेक शू जो कि हैंड ब्रेक के लिए काम करते हैं। जब हम गाड़ी का ब्रेक का पैडल दबाते हैं तो ये डिस्क जो होती है इस पर डिस्क पैड काम करते हैं। यहाँ पर जब हम पैडल दबाते हैं और जब हम हैंड ब्रेक लगाते हैं तो अंदर की तरफ ब्रेक शू वर्क करते हैं जिससे हमारी गाड़ी का हैंड ब्रेक काम करता है यहाँ पर। तो ये है ब्रेक शू जो कि बिल्कुल घिस चुके हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसके ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये है इसके डिस्क पैड जो कि गाड़ी के मेन ब्रेक पर काम करते हैं जब हम ब्रेक के पैडल को प्रेस करते हैं। और ये है ब्रेक शू जो कि हैंड ब्रेक के लिए काम करते हैं। तो इस गाड़ी के हैंड ब्रेक बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके ब्रेक शू बिल्कुल घिस चुके हैं। तो अब हम करने वाले हैं इसके ब्रेक शू को चेंज। दोस्तों टाटा सफारी स्ट्रॉम में ब्रेक शू चेंज करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है, बहुत मुश्किल काम है। और जो भाई पहली बार इसको ओपन करते हैं वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार वो ये कहकर मना कर देते हैं कि ब्रेक शू यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएंगे, हैंड ब्रेक का काम आपका नहीं हो पाएगा, आपको इसके लिए कंपनी ही जाना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए ये एक छोटी सी वीडियो है जो इस तरीके से कुछ आइडिया मिलेगा उन्हें कि किस तरीके से ब्रेक शू और हैंड ब्रेक्स का वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये डिस्क और ड्रम को खोलना होता है कुछ इस तरीके से। ये जाम होते हैं, थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो इसमें एंटी रस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम इसको थोड़ा थोड़ा चोट मार के बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गई हमारी डिस्क और ड्रम बाहर जो कि कंबाइंड है और अंदर है ये हमारे ब्रेक शू। दोस्तों सभी गाड़ियों में ब्रेक शू चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्क नहीं होता, आसानी से चेंज हो जाते हैं। लेकिन टाटा सफारी स्ट्रॉम में ब्रेक शू चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए हमें बहुत से प्रोसेस करने पड़ते हैं और काफ़ी वक्त लगता है इसमें और काफ़ी मेहनत भी लगती है इसमें। ब्रेक शू चेंज करने के लिए हमें इसके पूरे एक्सिल को बाहर निकालना होता है और एक्सिल निकालने के लिए हमें ओपन करने होते हैं ये चार नट होते हैं। 18 नंबर स्पैनर से हम इसको ओपन करते हैं। इन चारों स्क्रू को ओपन करने के बाद ये हमारा पूरा एक्सल बाहर आ जाता है। उसके बाद हम आगे वर्क करते हैं। इस तरीके से ये चारों स्क्रू खुल चुके हैं और ये हमारा पूरा एक्सल बाहर आ जाएगा जो कि डिफेंसर में जाकर लगा हुआ है।
इस तरीके से ये हमारा पूरा एक्सेल बाहर आ चुका है। इस पूरे एक्सेल को बाहर निकाल कर ये डिफेंसर ऑयल है जहाँ पर ये एक्सेल लगा हुआ था, ये डिफेंसर की सील लगी हुई है। एक सील हमारे इस एक्सेल में लगी हुई है ताकि डिफेंसर ऑयल बाहर ना आए। बाकी गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में ब्रेक शूज चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है, ये गाड़ी में लगे लगे ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन सफारी स्ट्रॉम का हमें पूरा एक्सेल बाहर निकालना पड़ता है। और अब जाएगा ये लेथ पर, हेरात मशीन का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रेस से इसके ड्रम को बाहर निकाला जाता है, तब ब्रेक शूज के चेंज होते हैं। एक साइड का एक्सेल हमने बाहर निकाल लिया है, अब दूसरे साइड का एक्सेल भी हम बाहर निकालेंगे। ये दूसरी साइड का एक्सेल है जिस जो हम बाहर निकालेंगे। ये इस टायर का ब्रेक शू भी बिल्कुल घिस चुका है, इसको ओपन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। पीछे जो 18 mm के 4 नट होते हैं उनको हमें स्पैनर से खोलना होता है। तरीके से हमें हल्की हल्की पीछे से चोट मारनी होती है या स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा प्रेशर देकर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी, ये पहली बार ओपन हो रहा है, 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो थोड़े फंसे हुए होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको प्रेस करना होता है बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, टाटा सफारी स्ट्रॉम के ब्रेक शू चेंज करने में आप समझ लीजिए पूरा दिन सिर्फ ब्रेक शू चेंज करने में ही लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम का काम है ये। धीरे धीरे से हथौड़ी से चोट मारकर हम इसको बाहर करने की कोशिश करते हैं, बहुत तेज़ चोट नहीं मारी जाती। ये दूसरा एक्सेल भी हमारा इस तरीके से बाहर आ गया है, इसके ब्रेक शू लगे लगे चेंज नहीं होते गाड़ी में, ये पूरा एक्सेल बाहर निकालना होता है, फिर ये खैरात मशीन पर जाता है। खैरात मशीन पर ये प्रेस पर ये हब बाहर निकलता है, उसके बाद ये ब्रेक शू चेंज होते हैं और उसके बाद प्रेस से ही ये दोबारा फिट होता है। मैकेनिक भाइयों को इसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये पूरा एक्सेल है, ये पूरा अब लेथ पर जाएगा और प्रेस से ये एक्सल इसमें से हब बाहर निकलेगा। ये दूसरी साइड का है, तो ये दोनों एक्सल बाहर निकल चुके हैं और ये दोनों एक्सल जाएंगे अब प्रेस पर और ब्रेक शू चेंज करने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, प्रेस पर से ये आ चुका है लेथ से, इसका लेथ का जो भी वर्क था खैरात मशीन का वो होकर आ चुका है और इसमें नए ब्रेक शू फिटिंग हो चुके हैं। ये थोड़ी सी सील पर हम लोशन लगा लेते हैं ताकि सील अच्छी तरीके से बैठ जाए और ऑयल लीकेज ना हो। तो यहाँ से भी हमने इसको क्लीन कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से और अब हम इसको वापस फिटिंग करेंगे। तो ये एक्सेल हम लोग बिठा रहे हैं, नए ब्रेक शू इसमें चेंज हो चुके हैं और अब हमें करना होगा इसको फिटिंग। तो जिस तरीके से हमारा इसको ओपन करने का प्रोसेस था उसी तरीके से हम इसको फिटिंग करेंगे। एक्सेल को अंदर बिठा करके हमें एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि ये डिफेंसर की गरारी में सही तरीके से फिट हो गया है या नहीं। एक बार फिट करने के बाद हमें इसको हल्का सा घुमाकर भी चेक कर लेना चाहिए कि डिफेंसर में एक्सेल अटका हुआ तो नहीं है।
और जो चार नट हमने खोले थे उनको लगा लेते हैं और अच्छी तरीके से कर लेते हैं उनको टाइट। यह है दूसरी साइड का एक्सल। ये ब्रेक शू नए लग चुके हैं इसमें हैंड ब्रेक्स के लिए, और इसको भी आराम से अच्छी तरीके से चेक करके हमें अंदर को बिठाना है। इसमें किसी तरह की जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी तरह से कोई चोट नहीं मारी जाती इसमें। आसानी से ग्रुप को घुमा घुमा कर एक दूसरे ग्रुप में जब तक ना बैठे जब तक चेक किया जाता है। और जब दांत अपनी जगह बैठ जाते हैं उसके टीथ एक्सल के डिफेंसर के टीथ में तो ये फिट हो जाता है। और इस तरीके से हमें थोड़ा सा घुमाकर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई चीज़ अटकी हुई तो नहीं है। उसके बाद जो हमने नट खोले थे हम उसको कर लेते हैं फिटिंग। तो ब्रेक शू चेंज करने के बाद हमें इसके ब्रेक शू को एडजस्ट करना होता है। एडजस्टिंग बाहर से हो जाती है, उसके लिए गाड़ी को थोड़ा सा चलाना होता है 100 से 200 किलोमीटर, ताकि जितना खुलना होता है वह एक बार ब्रेक शू के स्प्रिंग वगैरह आराम से अप डाउन होने लगे। तो ये हो चुके हैं नए ब्रेक शू फिट, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था इनको फिट करना। ऐसे गाड़ी में लगे लगे कोशिश करेंगे तो ये फिट नहीं हो पाते, बहुत दिक्कत होती है इनमें। और अच्छे हैंड ब्रेक को और अच्छे ब्रेक को वर्क करने के लिए इसकी डिस्क को और ड्रम को भी टर्न करा लेते हैं। ये आ चुका है इसका हब, ये इसकी डिस्क और ड्रम है कंबाइंड, जो कि लेथ पर हमने इसको टर्न करा लिया है। ये अंदर की तरफ जहाँ पर ब्रेक शू काम करेंगे वहाँ से ये टर्न हो चुका है ड्रम, और बाहर डिस्क काम करेंगी जहाँ पर वहाँ से भी इसको हमने टर्न करा लिया है। तो एक बार धूल मिट्टी साफ कर लेते हैं इसकी, उसके बाद करेंगे इसको फिटिंग। तो यहाँ इसमें जहाँ भी जो रस्टिंग थी उसको कर दिया हमने ब्लैक कलर से पेंट, और अब कर लेते हैं इसको फिट। तो इस तरीके से इसके ब्रेक का पूरा पीछे का वर्क हो चुका है, जिसमें पीछे के ब्रेक भी काम करेंगे और ब्रेक शू भी न्यू डल चुके हैं और वो भी एडजस्ट होने के बाद सही से वर्क करने लगेंगे। ब्रेक शू को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 100-200 किलोमीटर के लिए करीब गाड़ी चलानी पड़ती है। उसके बाद एक बार इनको एडजस्ट करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। ये है इसके न्यू डिस्क पैड, ये न्यू डिस्क पैड हम इसमें चेंज करेंगे। तो इस तरीके से टाटा सफारी स्ट्रॉम के पीछे पीछे के दोनों टायरों का ब्रेक का वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और पीछे की तरफ के ब्रेक को अब आगे जल्दी से कुछ भी कराने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, टाटा सफारी स्ट्रॉम के ब्रेक शू चेंज करने का ये कुछ छोटा सा थोड़ा सा प्रोसेस था, जिससे काफ़ी लोगों को कुछ आइडिया होगा और समझ आएगी कि किस तरीके से इसके ब्रेक शू को चेंज करना है और किस तरीके से काम करना है। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कुछ आइडियाज़ देगी टाटा सफारी स्ट्रॉम के हैंड ब्रेक से रिलेटेड, और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये था कुछ इस तरीके से प्रोसेस, उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमेशा खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।